दोस्तों, लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो और एक नए लैपटॉप के साथ। आज हम लेके आए हैं एचपी का न्यूली लॉन्च FC0028AU लैपटॉप, जो राइजन 5 7000 सीरीज में एचपी ने लॉन्च किया है। एएमडी ने फिलहाल ही में अपनी 7000 सीरीज लॉन्च करी थी, जिसमें हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, जो एरो सीरीज में एचपी ने ऑलरेडी लॉन्च किया था, राइजन 3 में लॉन्च कर दिया और राइजन 5 में भी एचपी ने अपना लैपटॉप लॉन्च कर दिया है अपनी 15S सीरीज के अंदर। तो दोस्तों, जो आज हम लैपटॉप लेके आए हैं वो है एचपी का 15S FC0028AU। अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो राइजन 5 7000 सीरीज में आपको ये मिलता है 8GB रैम 512GB SSD के साथ, 15.6 इंच की फुल एचडी LED डिस्प्ले है और विंडो 11 और MS ऑफिस 2021 होम एंड स्टूडेंट के साथ ये लैपटॉप आता है। दोस्तों, आज हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग, इसका रिव्यू करेंगे और इसको फिजिकली ओपन भी आपको करके दिखाएंगे। और जो दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हैं, मैं उनसे यही कहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारा लैपटॉप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आगे भी न्यूली लॉन्च लैपटॉप्स की हम रिव्यूज करते रहेंगे और उनको फिजिकली ओपन करके भी आपको दिखाएंगे। बेल आइकन प्रेस करने से आपके पास सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन आता है कि नई वीडियो आ गई है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, करते हैं लैपटॉप को ओपन। तो दोस्तों, लैपटॉप हमारा ओपन हो गया है, देखते हैं बॉक्स के कंटेंट्स में क्या है। 65 वाट का अडैप्टर और एक प्रीमियम पावर कोड एज यूजुअल और एक आपका मैनुअल। तो दोस्तों, ये है हमारा लैपटॉप। हम देखेंगे जो बॉडी, तो नॉर्मली जो 15S और 14S एचपी के लैपटॉप आते हैं ऑलमोस्ट वैसी ही है, फाइबर बॉडी है, थोड़ा सा बैक में चेंज हुआ है। अगर आप पहले के लैपटॉप देखेंगे और इसमें देखेंगे थोड़ा सा फर्क है, लेकिन बैक और फ्रंट पूरा ही अभी फाइबर बॉडी में ही है। दोस्तों, देखते हैं एचपी ने इसमें क्या क्या पोर्ट्स दे रखे हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड देखेंगे लैपटॉप की, तो सबसे पहला पोर्ट है आपका चार्जिंग जैक, जिससे आपका लैपटॉप चार्ज होता है, और उसके साथ में आपको दे रखा है USB SS, जिससे आप कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं USB से और आप डाटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं। दोस्तों, लैपटॉप के राइट साइड में देखते हैं कौन कौन से पोर्ट हैं। सबसे पहला USB SS, जिससे आपका डाटा फास्ट ट्रांसफर हो सकता है। उसके बाद आपका HDMI, आपका प्रोजेक्टर या एक्सटर्नल LED TVs वगैरह कनेक्ट करने के लिए। फिर आपको मिलता है टाइप सी पोर्ट, आप इससे लैपटॉप चार्ज नहीं कर सकते लेकिन आप डाटा ट्रांसफर इस पोर्ट से कर सकते हैं। और उसके बाद आपको मिलता है 3.5mm का ऑडियो जैक, जिससे आप अपने हेडफोन, माइक और आप स्पीकर्स कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, देखते हैं लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले बात करते हैं CPU की, प्रोसेसर इसमें आता है AMD Ryzen 5 7520U विद रेडियन ग्राफिक्स के साथ। Ryzen 5 का 7000 सीरीज है। बेस स्पीड की बात करेंगे तो 2.8 GHz आपको इसमें मिलती है। टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है, ये बूस्ट अप होकर 4.3 GHz तक जाता है। फिजिकल कोर की बात करेंगे, 4 कोर है और लॉजिकल प्रोसेसर अगर हम बात करते हैं तो 8 कोर का प्रोसेसर है और L3 कैशे इसमें है 4MB की। दोस्तों, जो Ryzen ने अपने 5000 सीरीज और 7000 में जो मेन डिफरेंस रखा है, पहले 5000 सीरीज में 7 नैनोमीटर का प्रोसेसर आता था, इसमें अब 6 नैनोमीटर का प्रोसेसर आ रहा है। बात करते हैं मेमोरी की, 8GB की इसमें रैम लगी हुई है, LPDDR5 इसमें मेमोरी है 5500 MHz की। दो स्लॉट्स हैं, दोनों यूज्ड है। इसमें ऑनबोर्ड रैम है, जब हम आपको लैपटॉप खोलेंगे तो उसमें दिखाएंगे। SSD देखते हैं, इंटेल की 512GB SSD है, 477 कैपेसिटी आपको इसमें मिलती है काम करने के लिए। वाईफाई देखेंगे, वाईफाई 6 आपको इसमें मिलता है। राउटर 5G जरूर हो आपका, ध्यान रखिएगा, अच्छी स्पीड आएगी। ग्राफिक्स AMD की खास बात है, वो अपने हर प्रोसेसर के साथ ग्राफिक्स देता ही है, डेडिकेटेड 512 या किसी किसी में 2GB, तो इसमें आपको देता है 512MB डेडिकेटेड GPU, 1.9 GHz फ्रीक्वेंसी के साथ आपको ग्राफिक्स मिलता है और शेयर्ड GPU भी है 3.6GB, टोटल मिला के आपको मिलता है 4.1GB। इसके अंदर आप बेसिक गेम्स और एडिटिंग कर सकते हैं, बेसिक एडिटिंग, लेकिन अगर आप हार्डकोर गेमिंग्स की बात करेंगे या 4K एडिटिंग की बात करेंगे तो वो आप इस लैपटॉप में नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की। दोस्तों, बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, 15.6 इंचेस का LED डिस्प्ले आपको इसमें मिलता है नैरो बेजल के साथ, 2 साइड इसमें नैरो बेजल आपको मिलेंगे। और अगर हम निट्स की बात करेंगे, 250 निट्स है और 45% आपको इसमें NTSC मिलता है। दोस्तों, बात करते हैं कैमरे की, तो कैमरा इसमें HP ने जो दिया है वो HD 720p दिया है विद
डुअल एरे माइक के साथ आपको इसका कैमरा मिलता है। इसके कैमरे की खासियत जो एचपी ने अब अपने जो स्टार्टिंग मॉडल्स के अंदर भी देनी शुरू करी है वो है इसका शटर फैप कैम। देखिए दोस्तों, ये है इसका शटर। अगर आप इसे लगा देंगे तो आपका वेबकैम आपकी परमिशन के बगैर कोई भी यूज नहीं कर सकेगा। आज की डेट में ये फीचर बहुत ही जरूरी हो गया है। आज के युग में जो सबसे ज्यादा हैकिंग चल रही है, कोई भी आपका लैपटॉप हैक करके आपके बिना परमिशन के आपका कैमरा हैक कर देख सकता है और वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है आपके बिना परमिशन के। तो जब आपने कैमरा यूज नहीं करना है तो हमेशा कैमरे को शटर ऑफ करके आप यूज करिए। तो दोस्तों, वक्त आ गया है लैपटॉप को फिजिकली ओपन करने का। तो चलिए लैपटॉप को फिजिकली ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट्स कहां कहां लगे हुए हैं। दोस्तों, लैपटॉप हमारा ओपन हो गया है। मैं आपको ये कहूंगा, आप खुद मत खोलिएगा। जितना इजी वीडियो में लगता है लैपटॉप खोलना, उतना इजी नहीं होता। इसके काफी प्लास्टिक के लॉक्स होते हैं जो टूट सकते हैं। तो चलिए देखते हैं लैपटॉप में। ये देखिए, ये है सबसे पहले प्रोसेसर, 7000 सीरीज का प्रोसेसर आपका यहाँ लगा हुआ है जो हीट सिंक के थ्रू कनेक्टेड है आपके फैन के साथ। ये हमारा मदरबोर्ड है, जहां मदरबोर्ड खत्म होता है वहीं हम अब फैन यूज करते हैं जितनी भी कंपनीज हैं। देखेंगे यहाँ पे आपको अलग से दिखाई दे रही है, ये है एसएसडी, 512 GB इंटेल की एसएसडी इसमें लगी हुई है, आप अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ आपका लगा हुआ है वाईफाई 6 जो हमने दिखाया था। देखिए इसमें रैम आपको नहीं दिख रही है क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था कि ऑन बोर्ड रैम है। यहाँ पे दो इसमें ऑन बोर्ड रैम लगी हुई है, इस रैम को आप अपग्रेड नहीं कर सकते हैं रैम को। ये ध्यान रखिएगा, रैम इसमें अपग्रेड नहीं होगी। बात करेंगे, ये हमारा बैटरी है, 3 सेल की बैटरी है, 41 वर्क आवर्स के साथ। यहाँ पे दो स्पीकर्स दिए हुए हैं एचपी ने। तो दोस्तों देखिए, इसमें हमारा अभी तक ओवरऑल रिजल्ट यही है, सिर्फ हम इसमें एसएसडी अपग्रेड कर सकते हैं, वो भी पुरानी एसएसडी को रिमूव करके, और कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों आज हमने अनबॉक्स किया एचपी 15SFC0028AU लैपटॉप को। ये राइजन 5 7000 सीरीज के साथ आता है जो हमने देखा। अब हम देखते हैं इसका यूज क्या है। देखिए, अगर आपकी जो डिमांड है वो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ब्राउजिंग, इंटरनेट या अकाउंटिंग, या आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है या ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी है, आपने कुछ भी करना है और आप चाहते हैं कि एक बेसिक लैपटॉप से थोड़ा सा ऊपर लेना, तो देखिए इसमें राइजन 3 7000 सीरीज भी लॉन्च हो चुका है। आप अगर 40,000 के बजट में लेना चाहते हैं तो आप वो ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका बजट 50,000 के अप्रॉक्स है तो आप इस लैपटॉप को जरूर लीजिएगा। राइजन 5 है, उससे स्पीड ज्यादा ही आपको इसमें मिलती है। लेकिन मैं आपको जरूर एक बात और याद दिला दूं, क्योंकि मार्केट में कई सेल्स पर्सन कस्टमर को थोड़ा सा घुमा फिरा देते हैं, जो आपका शेयर्ड ग्राफिक्स है उसी को डेडिकेटेड ग्राफिक्स बता देते हैं। तो कभी भी किसी के बहकावे में मत आइएगा। जिनको भी 3D Max या हार्डकोर गेमिंग या आपने 4K एडिटिंग करनी है, जिसके अंदर डेडिकेटेड 4GB ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो ये लैपटॉप परचेज ना करें। उसके लिए मार्केट में गेमिंग लैपटॉप्स मिलते हैं जिसका डेडिकेटेड ग्राफिक्स या तो GTX 1650 होना चाहिए या NVIDIA का RTX 3050 होना चाहिए। आप वही लैपटॉप परचेज करिएगा, ये लैपटॉप मत परचेज करिएगा अगर आपने हार्डकोर गेमिंग या 4K एडिटिंग करनी है। तो लैपटॉप नेचुरल सिल्वर कलर में है, और अभी तक हम जो 14S 15S HP के मॉडल्स देखते थे उनके अंदर कीबोर्ड भी नेचुरल सिल्वर कलर में होता था। तो कई कस्टमर्स की फीडबैक आता था कि आपने जो नेचुरल सिल्वर कलर में दिया है तो उसकी कीज पे जो अल्फाबेट है वो इजिली विजिबल नहीं होते हैं। तो HP ने उस फीडबैक को ही रिस्पॉन्ड करते हुए अपने जो अब राइजन 5 और राइजन 3 7000 सीरीज में लॉन्च किया है, उन्होंने उसमें कीबोर्ड का कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया है। आप इसमें देखेंगे, आपको इसके अंदर जो अल्फाबेट है वो क्लियरली विजिबल है। मार्केट में ये लैपटॉप आपको 50,000 के अप्रॉक्स में मिल जाएगा। कुछ HP वर्ड्स के हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे रखे हैं, आप वहां पे जाके फील एंड टच करके आप लैपटॉप को परचेज कर सकते हैं।
एचपी इसके साथ 1 ईयर ऑन साइट वारंटी देता है, अपग्रेडेशन की भी ऑफर टाइम टू टाइम देता रहता है। अगर आप 1 ईयर से वारंटी से 3 ईयर अपग्रेड करना चाहेंगे तो आप वो भी कर सकते हैं, उसके लिए एचपी बहुत ही नॉमिनल चार्जेस लेता है। और एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन भी एचपी देता है, आप एचपी वर्ल्ड पे सेल्स पर्सन से जरूर पूछिएगा। और मैं एक बात यही कहूंगा, कभी भी वारंटी एक्सटेंड करानी हो थर्ड पार्टी, कभी भी वारंटी एक्सटेंड नहीं करानी चाहिए। हमेशा जब आप एचपी वर्ल्ड से लेंगे लैपटॉप तो एचपी की ही वारंटी एक्सटेंड करानी चाहिए। मार्केट में काफी लोग हैं जो थर्ड पार्टी वारंटी एक्सटेंड करते हैं और एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन देते हैं, वो आपको नहीं करानी चाहिए। मोस्टली उसमें प्रॉब्लम्स ही रहती है, हमेशा आप एचपी से ही वारंटी एक्सटेंड कराएं। हमने पूरी कोशिश करी है आपके सारे डाउट क्लियर करने की। अगर फिर भी कोई आपके माइंड में कोई डाउट रह गया हो इस लैपटॉप को लेके, कोई क्वेश्चन आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लैपटॉप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।